ट्रैवलिंग कर रहे थे 3-4 घंटों से, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है। ये भरतगढ़ वाला रोड है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज तो ब्लॉग स्टार्ट करने में काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि बिकॉज बारिश हो रही थी। तो अभी फ़िलहाल 2-4 दिन बारिश रुकी नहीं, लगा बस स्टैंड के पास ही है। मौसम तो बढ़िया है, आज सुबह फ़िलहाल बारिश हो रही थी पर अभी मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। और अभी हम सीधे निकल रहे हैं, आ रहे हैं हिमाचल में। ट्रैफिक जाम हो रहा है यार। आप देख सकते हैं गाइस, अभी ट्रैफिक जाम खुल चुका है रोड बिल्कुल। तो फिलहाल हम स्वार घाट पहुंचने वाले हैं। हम यहां पे रुके हैं खाना खाने के लिए थोड़ी देर। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहां से व्यू कुछ ऐसा है। वहां सामने गंबर पुल है, वहाँ बीच में जाके अभी हमें वहाँ पहुँचने के लिए लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ये रहा गंबर पुल, अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। चारों तरफ दिखाता हूँ मैं आपको। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंचे हैं स्वार घाट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया है। तो गाइस, हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए। अभी फ़िलहाल काफ़ी देर से ट्रैवलिंग कर रहे थे 3-4 घंटों से, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है। ये भरतगढ़ वाला रोड है जो सामने नालागढ़ में जाके निकलेगा। तो अभी गाइस, हम नालागढ़ पहुँचने वाले हैं। वैसे हमारे घर तो पहाड़ों में है। हम पहुंचे हैं नालागढ़। तो अभी मैंने नालागढ़ क्रॉस किया। तो यहाँ पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ पे ऐसा घर में ऐसा होता था कि गर्मी नहीं थी इतनी, यहाँ पे तो बारिश भी कम ही होती है। यहाँ पे आपको 1 सेकंड के लिए भी रोड खाली नहीं मिलेगा। लॉन्ग ड्राइव, तो मैं आपको तब से बोल रहा था यहाँ पे मेरा घर है। ये खेड़ा का पेट्रोल पंप है जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी, और मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ यहीं पे। तो ये लोग तो यहाँ टायर में हवा भरने का काम कर रहे हैं, तब तक मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। ये सामने शिमला स्वीट है और इन्होंने ये नई बिल्डिंग डाली है सिर्फ इसी दुकान की कमाई से, ये वाली बिल्डिंग। यहाँ पर तो रोड क्रॉस करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। फिलहाल मैं जा नहीं पा रहा हूँ सामने, तो आपको बता देता हूँ ये जो बिल्डिंग है ना, इसी बिल्डिंग के नीचे को। गाइस, छुट्टी हो चुकी है कंपनियों में, तो अभी इस टाइम तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। गाइस, ये रहा सिप्ला का प्लांट, ये सिप्ला कंपनी है। फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं भाई के रूम पे। यहाँ पे भाई का रूम है ऊपर, इनको छोड़ के आते हैं अभी। फिलहाल सूरज ढलने वाला है, लोग सनसेट का मज़ा ले रहे हैं।
अभी तो फिलहाल जीजू ड्राइव कर रहे हैं, तो कुछ बोलने के मूड में नहीं है, स्माइल तो दे रहे हैं। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने अपार्टमेंट। यहाँ पीछे को हमारा अपार्टमेंट है जहाँ पे जिजू ने फ्लैट लिया, अभी नया नया डबल रूम सेट लिया जिजू ने अभी अभी इस कॉलोनी में। फिलहाल गाइज हम पहुंच चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं ऊपर अपने फ्लैट पे। तो गाइज हम पहुंचे हैं अपने फ्लैट पे, यहाँ रहा हमारा फ्लैट और ये रहा यहाँ से व्यू, बहुत ही सुंदर सा व्यू। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने बद्दी वाले फ्लैट पे, ये हमारा बद्दी वाला फ्लैट है। यहाँ पे किचन है, अभी टॉयलेट है, ये मेरा बेडरूम है और यहाँ से एक खूबसूरत सा सनसेट दिख रहा है। आप देख सकते हैं सब, बहुत खूबसूरत सनसेट दिखाई देता है। इस साइड पर और लोगों के फ्लैट भी हैं, कॉलोनी है बहुत बड़ी है। तो गाइज अभी नहा लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं शाम को। तो गाइज अभी नहा धो के निकल गया हूँ मैं, अभी चलते हैं पार्क में मेरे। तो हमारा फ्लैट सेकंड फ्लोर पे है। अच्छा तुम्हारा तो ऊपर है, आदित्य नहीं आ रहे? तेरा नाम है आदित्य? अभी फिलहाल मैं ग्राउंड फ्लोर पे तो पहुँच गया हूँ, ये पार्किंग है और ये रहा हमारी कॉलोनी का पार्क। तो अभी लगभग शाम के 7:30 हो रहे हैं, सब बच्चे खेल रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल नाइट होने वाली है, मैं यहाँ पे बैठा था, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को तो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको अपना घर दिखाने वाला हूँ, तो गाइस बने रहो मेरे ब्लॉग में ऐसे ही। मिलते हैं गाइस, बाय बाय।